सरकार से भी और राष्ट्रपति जी से भी ये प्रार्थना है कि एक बार इंक्वायरी करके देखें कि कितने लोग हैं जो बड़े हैं उनमें अपराधी हैं, कितने लोग हैं जो निर्दोष हैं, जो कि दोषियों के नाम पे मारे गए हैं, जो कि अपने आंकड़े बनाने के लिए मारे गए हैं, आपने आंकड़े बनाने के लिए जो सरकार है उसने अपराधियों को सरकारी वर्दियां पहना पहना के इनके लोगों के खिलाफ उन पर अत्याचार कराया है, उनको बेमौत मरवाया है, बिना अपराध के मरवाया है और कहा गया है कि हमने इतने अपराधियों को पकड़ा, इतने अपराधियों को हमने मारा, लेकिन रोज कोई न कोई घटना होती है जिसमें निर्दोष लोगों पे हत्या होती है, गोली चलाई जाती है, पुलिस अत्याचार करती है और पुलिस ही न्याय करती है। उसके खिलाफ हम सब मिलके आज एक आवाज़ उठाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए, इस मुख्यमंत्री को हटाया जाए जिसकी वजह से त्राही त्राही मची हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक शांत और मेहनती इंसानों का देश प्रदेश है, लेकिन उसमें इस सरकार ने आके, इस मुख्यमंत्री ने आके ऐसी हलचल पैदा कर दी है कि गरीब आदमी वहाँ रहने से त्रस्त हो गया है, वहाँ रह के त्रस्त हो गया है, लोग रोजी रोटी को तरस गए हैं, किसी को मजदूरी नहीं मिलती, किसी को घर नहीं मिलता, किसी को खाना नहीं मिलता, इस तरह के लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके बीवी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लोग तो और भी परेशान हैं, केवल उच्च जाति के लोगों को कुछ को संरक्षण दिया है, बाकी सारी जनता त्रस्त है। तो ऐसी सरकार को बदलने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों में से भी जो यहाँ उपस्थित हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, दिल्ली में सभी जगह के लोग हैं, हर प्रदेश के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो कि इतने त्रस्त हैं और त्रस्त होके भाग भाग के जा रहे हैं, कहाँ जाएं, अपने बीवी बच्चों को पालना है, अपने घर गृहस्थी चलाना है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, रोज़गार उनके छीन रहे हैं। इतनी महंगी सरकार में उन्हें बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता समय से, तो वो किसान क्या करेंगे, किसानों को बहका के कि इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, उनसे वोट लिया, उनसे पूछिए कि कितना पैसा उनके बैंक अकाउंट में गया है, कोई एक भी व्यक्ति कह दे कि उसके बैंक अकाउंट में 100 रुपये भी डाले हों तो उसके गुनहगार हैं। उसकी तारीफ करेंगे मोदी जी की, जब भी कहीं इलेक्शन होता है तभी आतंकवादी क्यों हमारे देश पे हमला करते हैं, आगे पीछे क्यों नहीं हमला होता, जब भी ये कहीं चुनाव होगा तभी हमारे यहाँ हमला होगा, तभी आ रहा है, आपने देखा होगा कि आतंकवादियों ने कश्मीर पे हमला कर दिया, इतने जवान मार दिए, उसका जवाब उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनको पालने वाले को देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, केवल ये कि हमने ये किया वो किया, फर्जी बातें कही जाती हैं और जनता को बहकाया जाता है। तो ऐसे सरकार के प्रति हम लोगों को अब फर्ज बनता है कि आवाज़ उठाएं और पूरे जोर शोर से ये आवाज़ उठाएं, या तो
गद्दी छोड़ो या फिर अपने में सुधार लाओ। राष्ट्रपति जी से भी यही निवेदन किया गया है कि एक बार आप राज्यपाल से मिलकर जो अनुचित हो, चाहे वो पुलिस का हो या अपराधी हो, उसको सजा दी जाए, और जो उचित हो वो ठीक है। अगर अनुचित किया है पुलिस ने भी, तो पुलिस को भी अपराधियों के बराबर ही सजा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस का काम राहत देना है, ना कि बिना वजह बिना कसूर किसी पर गोली चलाना, किसी को घायल करना, किसी को जान से मार देना और खुद को बताना कि हमने इतने अपराधियों को अरेस्ट किया। आपने देखा है इस सरकार में जितने बलात्कारी हैं उनको सरकार की तरफ संरक्षण मिल रहा है, तो संरक्षण हटाना चाहिए, सरकार को दंड देना चाहिए, ना कि जेल में रह के भी ऐश करने के मौके। जेल में रह के भी वो इतने ऐश से रहते हैं, इतने आराम से रहते हैं, जैसे अपने घर में भी नहीं इतने आराम से रहते होंगे। तो इन सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो धीरे 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 ये अत्याचार और बढ़ते जाएंगे, और इन अत्याचारों की वजह से एक दिन हम लोग सभी त्रस्त होंगे। कोई ना कोई जुड़ाव है, लेकिन और भी ज्यादा बढ़ेगा। और हमारे पार्टी के लोगों ने बराबर संघर्ष किया है, किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, लेकिन अगर गलत हुआ है उसके प्रति हमारे लोगों ने, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश खरोश से आवाज उठाई और उस जो भी अत्याचार हुआ उसके खिलाफ उसको हटा के ही माने हैं, तब तक संघर्ष किया। और मुझे उम्मीद है अपने सभी साथियों से, हम रहें या ना रहें, लेकिन आप इसी तरह से जैसे आज तक मेहनत करते आए, संघर्ष करते आए, उसी तरह से आप बराबर संघर्ष करिए, बराबर मेहनत करिए। और नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो ये समाजवादी पेड़ लगाया है, इसकी छाया हमेशा हरी भरी रहे, बना रहे और घनी होती जाए, इसका आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है, आप लोगों को उसे सींचना है, आप लोगों को उसे बढ़ाना है। ये तभी बढ़ेगा जब आप अपना अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ध्यान देंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। मैं जानती हूँ आप सभी ने अपना काम छोड़ के, अपने जरूरी काम छोड़ के, अपने कितना भी बाहर जाने का हो, कोई भी हो, लेकिन अगर प्रोग्राम है तो उसमें मेरे हर प्रोग्राम में शामिल हुए, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और जीवन भर आभारी रहूँगी। अभी मेरा बीते स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ रहा, उसी वजह से मेरा आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया, वरना घर बैठे भी मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, आती रहेगी। याद आती थी कि हाय हम भी, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये बार बार दिमाग में आता था। आप यकीन मानिए, मैंने पार्टी को अपने परिवार की तरह समझा, अपने बच्चों की तरह समझा, अपने बहन भाइयों की तरह समझा। मन से कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों की तरह समझती रही, मेरे बड़े हैं उनका मैं हमेशा आदर करती रही, जो बच्चे उन्हें प्यार करती रही और उन बच्चों ने मुझे प्यार दिया, चाहे मैंने उन्हें डांटा, चाहे उनकी गलती के लिए
उसने समझाया, लेकिन कभी किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। उसके लिए मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, अपने साथियों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे आज तक सहारा दिया, आज तक मेरा साथ दिया और समाजवादी पार्टी को दिल्ली में इतना मजबूत बनाने की कोशिश की, मेरा साथ दिया। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, अकेले कर भी नहीं सकते थे। तो पता नहीं कितनी जिंदगी है, दोबारा मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों भी आज मिलने के लिए आ गई और कोशिश की कि मैं अपने सभी भाइयों को, अपने साथियों को एक बार अपनी आंखों से देख लूँ, मिल लूँ, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले, आत्मा को ठंडक मिले और जो भी होगा आगे मुझे बहुत बहुत शांति मिलेगी। और मेरा आप लोगों से बार बार एक ही अनुरोध है कि आप कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी व्यक्ति आए, उसका पूरा साथ दें, मैं जितना भी हो सकेगा उनका साथ दूंगी। जो भी खुद को इस योग्य समझता है कि वो इस कार्यभार को संभाल सकता है, वो जाके नेताओं से मिले, बात करें, हम उनके साथ जो भी जाएंगे, जो भी बनना चाहें, मैं किसी को नहीं रोकूंगी, किसी का नाम भी नहीं लूंगी और किसी को रोकूंगी भी नहीं, लेकिन जो भी जाए वो पूरे निर्णय के साथ जाए और मिले, ये सोच के जाए कि उसको एक बड़े परिवार को लेकर चलना है, उसका ध्यान रखना है, वो उसको संभाल सकता है या नहीं, ये सोच के सारी बातों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष बनने के लाइन में लगे। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी जानना चाहे, जो भी करना चाहे, जो बनना चाहे बने, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं जो भी मैंने सीखा है, जो मुझे पता है, मैं दिलो जान से उनका पूरा साथ दूंगी और मेरे साथी भी पूरी तरह से उनका सहयोग देंगे, पूरा साथ देंगे। वो जब बुलाएंगे मुझे मैं उनके बीच होंगी, जब आप लोग मिलना चाहें मेरे पास, मेरे घर भी आ सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, फ़ोन कर सकते हैं, बीच में फ़ोन बंद रहा लेकिन अब मैं फ़ोन सुन सकती हूँ, बीच में बंद कर दिया गया था, नहीं इजाज़त थी डॉक्टर की कि मैं फ़ोन सुनूँ, तो नहीं सुना, लेकिन अब मुझे इजाज़त है, आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर मेरा वही है, कोई नंबर नहीं बदला है, और आप जब चाहें घर पे मिलने आ सकते हैं, जब भी चाहें। एक बार फिर मैं अपने सभी भाइयों का, पत्रकार बंधुओं का, अपने साथियों का, अपनी बहनों का, बच्चों का, अपने बड़ों का, सभी समाजवादी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि इसी तरह से संगठन को मजबूत बनाकर दिल्ली प्रदेश को मजबूत बनाते रहिए, ऐसी मजबूत रखिए और हर जुल्म से टक्कर लेने की ताकत, किसी भी संघर्ष में पीछे मत हटिए, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी ऐसी है जो किसी भी जुल्म से, किसी भी खतरनाक से खतरनाक कोई भी कार्य उसमें टकराने की पूरी हिम्मत रखती है। तो मेरे भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और एक बार फिर आप लोगों से सबसे मेरी मुझसे कोई भी भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो जीवन में, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँ और चाहूँगा कि आप मुझे क्षमा करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।